नोरा को अपना लकी चार्म मानते जॉन अब्राहम दिलबर गर्ल को लेकर किया ये खुलासा। बॉलीवुड में कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब नोरा फतेही को ही ले लीजिए। नोरा फतेही ने अब इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए हैं। नोरा ने पिछले साल जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते में दिलबर गाने पर आइटम सॉन्ग किया था। इस गाने को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इसके बाद नोरा हर तरफ छा गई हैं। अब एक बार फिर से वो जॉन अब्राहम के साथ ही काम कर रही हैं। नोरा अब जॉन अब्राहम के साथ बाटला हाउस में नजर आएंगी। इस फिल्म में नोरा का अच्छा खासा रोल है। फिल्म में नोरा एक अहम किरदार को निभा रही हैं। इसके साथ ही दिलबर की तरह इसमें भी नोरा का एक गाना है। फिल्म का हाल में ट्रेलर लॉन्च किया गया और जॉन अब्राहम ने नोरा के बारे में एक बेहद खूबसूरत बात कही। दरअसल जॉन से नोरा के बारे में उनसे पूछा गया कि क्या नोरा उनके लिए लकी चार्म है, तो इसके जवाब में जॉन ने तुरंत कहा कि 15 अगस्त के बाद नोरा मेरा लकी चार्म बन जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मतलब वाकई में नोरा जॉन के लकी चार्म बन गई है। इसके साथ ही डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने बताया कि जॉन की बात में आगे जोड़ते हुए बोलना चाहता हूँ, जब हमने असलियत में एनकाउंटर में शामिल हुए लोगों को ये फिल्म दिखाई तो वे इससे काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब जब भी कोई बाटला हाउस के बारे में गूगल करेगा तो उसे सबसे पहले नोरा फतेही का चेहरा दिखाई देगा। नोरा खुद मानती है कि वो काफी खुशनसीब है कि इतने अच्छे लोगों के साथ उन्हें दोबारा काम करने का मौका मिला। बाटला हाउस 2008 में दिल्ली में हुए एनकाउंटर पर बेस्ड है। फिल्म 15 अगस्त को आ रही है।